आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी से भी और अपनी बहन आतिशी जी से भी कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो ये बताएं कि जनवरी के महीने में नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे चले गए, ये तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भी बताना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए, छात्र और छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा है उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही, और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, उसकी जरूर आज मैं उनके माध्यम से जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वोकेशनल ट्रेनर लंबे समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए वो मांग कर रहे हैं, आप हरियाणा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वोकेशनल ट्रेनर्स को 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है, हम 16,000 रुपए दे पा रहे हैं, तो आखिर इतनी कम सैलरी में कैसे ठीक ठाक काम चल पाएगा? मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल ND News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।